सो हेलो दोस्तों, और एक नया वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपने वीडियो को स्टार्टिंग में देख ही लिया किस तरीके से मैंने एक गेमिंग इंट्रो बनाया मेरे चैनल के लिए, और आपका एक गेमिंग यूट्यूब चैनल है, आप भी एक गेमिंग इंट्रो बनाना चाहते हो वो भी प्रोफेशनल। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आप किस तरीके से एक मोबाइल से आप एक प्रोफेशनल गेमिंग इंट्रो बनाओगे। दोस्तों आज की इस वीडियो को कम्प्लीट देखने के बाद आप आसानी से बना पाओगे एक गेमिंग इंट्रो। और दोस्तों आप वीडियो को स्किप करके देखते हो तो यहाँ पर आप एक स्टेप मिस करते हो, एक स्टेप मिस करने के बाद आपका इंट्रो सही से नहीं होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है जरूर एक लाइक कर देना। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं इधर काइन मास्टर को ओपन कर चुका हूँ। तो सबसे पहले मैं इधर एक नया प्रोजेक्ट यहाँ पर ले लेता हूँ 16.9 पे। उसके बाद यहाँ पर मैं जो भी कुछ यहाँ पर ऐड करूँगा सारा चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे देखने को मिल जाएगा, वहाँ पर से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले जाऊँगा मैं मीडिया के अंदर। जाने के बाद यहाँ पर सबसे पहले एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ, बैकग्राउंड जो मैं ब्लैक ले लेता हूँ। उसके बाद इसको ड्रैग थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो बड़ा कर देने के बाद उसके बाद यहाँ पर लेयर पे जाने के बाद यहाँ पर मीडिया से मैं जो भी कुछ यहाँ पर ऐड करूँगा सारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं एक छोटी सी एक टेम्पलेट को मैं इधर ऐड कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर एक छोटी सी एक टेम्पलेट यहाँ पर ऐड कर चुका हूँ। सबसे पहले मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इसको मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ। फुल स्क्रीन कर देने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये वाला टेम्पलेट है। उसके बाद फिर से और एक आपको यहाँ पर टेम्पलेट डाउनलोड करना है। उसके बाद मैं दूसरा भी यहाँ पर टेम्पलेट यहाँ पर ऐड कर चुका हूँ। उसके बाद आपको जो काम करना है फिर से आपको इसको भी फुल स्क्रीन कर देना है। दोनों आपने फुल स्क्रीन कर दिया, उसके बाद इसको ओके कर दीजिए। देने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पर इंट्रो हो रहा है, आप देख सकते हो। तो सबसे पहले आपको ये वाला सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे की तरफ जाने के बाद यहाँ पर आपको ब्लेंडिंग करके एक ऑप्शन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर चूज़ करना है स्क्रीन। चूज़ कर देने के बाद यहाँ पर आप देखना किस तरीके से ये हो रहा है। उसके बाद ये दोस्तों इंट्रो यहाँ पर हो चुका है। उसके बाद आपको जो काम करना है यहाँ पर आपका चैनल का लोगो यहाँ पर ऐड करना है। कहाँ पर ऐड करना है, जहाँ पर ये दोस्तों दोनों चीज़ें अलग हो रहा है इसके बीच में जो गाइस यहाँ पर गैप है वहाँ पर आपको लोगों को ऐड करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लोगों को ऐड कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा जो चैनल का लोगो है वो यहाँ पर मैं ऐड कर चुका हूँ। और आपने अभी तक गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे देखने को मिल जाएगा, जाकर मेरा गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो सबसे पहले आपको जो काम करना है इस इमेज को आपको सिलेक्ट करना है, जो भी आपका लोगो है। सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे की तरफ जाना है। नीचे की तरफ जाने के बाद आपको यहाँ पर फिर से आपको जाना है ब्लेंडिंग ऑप्शन के ऊपर। तो ब्लेंडिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको जाना है स्क्रीन। तो स्क्रीन के ऊपर क्लिक कर देने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद इसको सेव कर देना है। सेव कर देने के बाद आपको अच्छे से गाइस आपका जो लोगो है अच्छे से एडजस्टमेंट यहाँ पर कर लेना है, ठीक है। थोड़ा तो छोटा करता हूँ इसको, छोटा करने के बाद ये सही लग रहा है। उसके बाद इसको सेव कर देता हूँ। सेव कर देने के बाद वीडियो के ऊपर प्ले करता हूँ तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर लग रहा है। सबसे पहले यहाँ पर इसको मैं इन एनिमेशन देने वाला हूँ और आउट एनिमेशन देने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं आउट एनिमेशन दे देता हूँ। तो आउट एनिमेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ। आउट एनिमेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसको मैं सेकेंड जो ऑप्शन है फेड इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक कर देने के बाद इसको सेव कर देता हूँ। फिर से इसका जो इन एनिमेशन है इसको भी फेड रखता हूँ। रखने के बाद इसको सेव कर देता हूँ। सेव कर देने के बाद वीडियो को प्ले करता हूँ। तो थोड़ा सा यहाँ पर लोगों को मैं आगे की तरफ ले आता हूँ ड्रैग करके एकदम थोड़ा सा, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर आगे की तरफ लेकर आया और प्ले करता हूँ तो यहाँ पर सही लग रहा है, ठीक है ना। उसके बाद आपको जो काम करना है यहाँ पर जो भी आपका गाइस यहाँ पर जो लास्ट में जो गाइस यहाँ पर जो बचा है इसको आपको काट कर देना है, ठीक है। तो मैं इस तरीके से इसको काट कर देता हूँ। तो आप भी यहाँ पर ट्रिम टू यहाँ पर राइट कर देना है। देने के बाद आपका काम यहाँ पर हो गया है। उसके बाद आपको जो काम करना है यहाँ पर ऑडियो के ऊपर क्लिक करना है। ऑडियो के ऊपर क्लिक करने के बाद इस ऑडियो का भी मतलब इस ऑडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे देखने को मिल जाएगा, वहाँ पर से भी इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। तो उसके बाद यहाँ पर ऑडियो को मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। ऐड मैंने कर लिया। ऐड करने के बाद
उसके बाद में प्ले करके मैं आपको सुनाता हूँ। आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो आपको पसंद आई है जरूर से एक लाइक कर देना, नीचे से एक अच्छे से कमेंट कर देना, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।